ये जरूर, क्योंकि ये पढ़े लिखे बड़े ज्ञानी आदमी है। 3,500 दिन अपने जीवन के पंडित नेहरू जेलों में रहे, 3,500। तो क्या वो गलत था, वो खराब था, वो देश के लिए रहे कि अपने लिए रहे? आप बताइए आज बात। फिर राहुल गांधी जी के इंडियन हिंदुस्तानी होने पे सवाल पूछने वालों को शर्म नहीं आती? जिसके पिता ने देश के लिए अपने सीने को, अपने शरीर को कितने भागों में कटवा दिया, जिसकी दादी ने सीने पे गोलियां खा ली, उस आदमी से पूछा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? अरे इस सवाल से पहले शर्म आ जानी चाहिए आपको, आपकी जबान लड़खड़ा जानी चाहिए। फिर बोले साहब ऑक्सफर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना गलत है क्या? अरे आपसे पैसे थोड़ी लेके गए थे, वो वकील पैसा थे, वकील होके अपने गाड़ियां अपने नाम किया उन्होंने वकालत में, अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी अपना नाम किया और नाम से पैसा कमाया, काम से पैसा कमाया, चोरी करके। जो बैक ऑप्स लिमिटेड कंपनी है यूके की, उसमें डायरेक्टर और सेक्रेटरी राहुल गांधी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नेशनलिटी इंडियन बताई, क्या ये है सच? और ओनरशिप भी 85% बता देता हूँ मैं आपको। हाँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी बताया, उसको ये नहीं मानना। मेरा सवाल सुना सर, मैंने आपका सारा सवाल करूं? सुना मैं आपको, आपके लिए ब्रिटिश फर्म, ब्रिटिश फर्म नंबर 4 बैक ऑप्स लिमिटेड पर पॉइंटेड क्वेश्चन है, वो डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे इस कंपनी में? जी पहले रहे, बिल्कुल रहे, हाँ बोल रहा हूँ मैं आपको, रहे। और इसमें साफ, और इसी को तो आधार किया जा रहा है। फिर मुझे जवाब देने दीजिए, इन्होंने कहा साहब विदेश से क्या नाता है? निदेश, विदेश से हमारा ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका नीरव ताऊ से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका मेहुल काका से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका शौर्य डोवाल और विवेक डोवाल की मॉरिशियस की कंपनियों से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो जय शाह की विदेशी और पीयूष गोयल साहब की शेल कंपनियों का विदेश से नाता है। ऐसा कोई नाता नहीं है प्रभु, आप उसके बारे में भी बताइए। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब हम तो बड़े आडवाणी जी ने सब दे दिया था। ये 23 मार्च 2016 को एथिकल कमिटी के चेयरपर्सन के तौर पे आडवाणी जी कार्य कर रहे थे संसद की, उसमें राहुल गांधी जी ने लिख के दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उन्होंने क्या लिखा, द एथिक्स कमिटी, ये आडवाणी जी की कमिटी के शब्द है कि एथिक्स कमिटी संसद की इस जवाब से पूर्णता संतुष्ट है। भाई कभी कभार होली दिवाली सही रोजगार की इन लोगों की बात कर लिया करो, कभी कभार महिलाओं की बात कर लिया करो, कभी कभार ये भी बात कर लिया करो कि 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये कब तक यही सवाल पूछे जाएंगे? प्रियंका गांधी लेट क्यों आई? प्रियंका गांधी कहां गई? वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? अरे भाई वो हमारी नेता है, हम निर्णय करेंगे। आप तो ये जवाब दो कि 10 करोड़ नौकरियां कहां गई, 100 स्मार्ट सिटी कहां चले गए, बुलेट ट्रेनें कहां चल रही है? आज अगर बुलेट ट्रेन होती तो आपको आने में भी विलंब नहीं होता, आप फट से आ जाते बुलेट ट्रेन में बैठ। देखिए रोजगार देने वालों का असली चेहरा सामने आया। इतना तो माना कि ब्रिटेन की कंपनी में 85% की मालिकाना हक है और वो आकर अब बेरोजगारी की बात करते हैं। जनाब बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, राहुल गांधी की राजनीतिक बेरोजगारी का मुद्दा था, अब सामने आ रहा है। बताइए कितनों में आपने तो ब्रिटेन की कंपनी में नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है, यहां 85% का मालिकाना हक, इतना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा वो कहां से आया ये भी आप बात सुनिए। भैया 3 पीढ़ी से ना खानदान में किसी ने नौकरी की है ना बिजनेस किया है, उसके बाद 650 करोड़ का नोटिस भी है, देश का सबसे समृद्धशाली परिवार भी है, शक्तिशाली परिवार भी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल ईमानदार और दूध के धुले हुए, और जिनके मुंह में सोने का चम्मच था, जिनके स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी के नाना जवाहरलाल नेहरू जी आज से 100 साल पहले, गाड़ी होना कितनी बड़ी बात होती थी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चारों गेटों पर 4 गाड़ियां रहती थी बेटा, जिस गेट से निकलना वहां शोफर डिफेंस कार खड़ी होगी, उनको इतने साल के बाद अब गरीबी समझ में आई है और अब वो रोजगार की बात करते हैं। अच्छा चलो भैया मान लिया आप रोजगार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में दे दिया, छत्तीसगढ़ में दे दिया 72,000, राजस्थान में दे दिया, चलो 4 महीने सरकार है, 2.25 साल से पंजाब में है दे दिया, चलो 2.25 साल से, 8 साल से कर्नाटक में है दे दिया, चलो भैया 56 साल से हिंदुस्तान में रही तो दे दिया। इसका मतलब बहुत साफ है कि भाई, और ये भी समझिए, सरकार आपकी पार्टी की नहीं थी, आपके परिवार की थी। 10 साल पहले माताजी के हाथ में सत्ता की बागडोर थी, उससे पहले पिताजी भारत की सबसे शक्तिशाली सरकार लेकर, उससे पहले दादी जी भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और अब कहते हैं कि खाते उन्होंने खुलवाए, पैसा हम डलवाएंगे, यानी खंभा लगवा नहीं पाए, हम पावर हाउस हम चलाएंगे। उनके ऊपर एक ही उक्ति लागू होती है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों की है कि बाप ना मारी मेड की बिटवा तीरंदाज, और आज आकर आप लोगों को ये बातें बता। 85% ओनरशिप वाली बात सही है, एक चीज आप बताइए, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, एक चीज एक एक करके, फिर ये इनका भूल जाऊंगा, ये नाराज हो जाते हैं कि आप मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे, एक एक का उत्तर दे। मान लो ये नेहरू जी की बात कर रहे हैं, इनको शायद ये ज्ञान होगा, ये जरूर, क्योंकि ये पढ़े लिखे बड़े ज्ञानी आदमी है। 3,500 दिन अपने जीवन के पंडित नेहरू जेलों में रहे, 3,500,
तो क्या वो गलत था, वो खराब था, वो देश के लिए रहे कि अपने लिए रहे? आप बताइए आज बात। फिर राहुल गांधी जी के इंडियन हिंदुस्तानी होने पे सवाल पूछने वालों को शर्म नहीं आती? जिसके पिता ने देश के लिए अपने सीने को, अपने शरीर को कितने भागों में कटवा दिया, जिसकी दादी ने सीने पे गोलियां खा ली, उस आदमी से पूछा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? अरे इस सवाल से पहले शर्म आ जानी चाहिए आपको, आपकी जबान लड़खड़ा जानी चाहिए। फिर बोले साहब ऑक्सफर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना गलत है क्या? अरे आपसे पैसे थोड़ी लेके गए थे, वो वकील पैसा थे, इतना था। वकील होके गाड़िया अपने नाम किया उन्होंने वकालत में, अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी अपना नाम किया और नाम से पैसा कमाया, काम से पैसा कमाया, चोरी करके जय शाह मॉडल से पैसा नहीं कमाया, जय शाह के मॉडल का पैसा, नेहरू जी को नोटिस तो गया नहीं है, ये जय शाह का पैसा नहीं था, ये शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल का पैसा नहीं था, ये उन्होंने खुद ने गौरव जी, एक बार एंकर की तरफ भी देख ली, मैं हमारी क्या गलती है सर? ऐसे आप भी बुलेट ट्रेन लेके निकल रहे, कुछ बोलते ही नहीं, फिर भी सुनते नहीं, नाराज हो जाते हैं। देखिए नोटिस नेहरू जी को गया नहीं है, तो वक्त जाया कीजिए, आपने जब क्यों नहीं बोला? बताइए इन्होंने नाम लिया, आपने रोजगारी बेरोजगारी की बात की, कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि मैं कैसे एंकरिंग करूंगी? मैडम क्या क्या ऐसा कुछ साइन करके देना है क्या एंकर को? हाँ तो आप सवाल मत खड़े कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, आप सवाल देने का जवाब दीजिए। एक चीज बताइए, इन्होंने नेहरू बोला तो आपकी अंतरात्मा से आवाज नहीं, हमारी अंतरात्मा अपनी जगह पर है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है, हमारी अंतरात्मा कांग्रेस पार्टी के हिसाब से नहीं चल रही है। विकास और रोजगार झूठ बोल के मत भागिए मेरे सवाल से, मेरे सवाल से भागने के 100 तरीके खोज रहे हैं। नहीं भागता हूँ, 85% ओनरशिप सही है क्या? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 85% ओनरशिप। आप मुझे 10 सेकंड देगी कि मैं चुप हो जाऊँ? नहीं नहीं जवाब दीजिए। ये जो कंपनी है, इस कंपनी में मैंने खुलेआम बोला, कोर्ट ने भी माना, जब ये कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर निर्णय दिया गया, और इस कंपनी के 4th नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जी इंडियन है। अब आप कहती है कि लंदन में कंपनी क्यों? अरे कोई कत्ल कर दिया क्या? कोई जुर्म कर दिया क्या? किसी का पैसा लेके भाग गया क्या? जो छोटा मोदी मझला मोदी बैठा हुआ है तो वो भाग गया क्या? तो मैं बोल रहा हूँ।